Let's do question number 6 of exercise 3B. According to 2020 edition, question number 6 is solve for x and y. हमें x और y की value निकालनी है. Friends, मैं बाकी के questions already post कर चुकी हूँ. हर एक exercise के from chapter 1st and chapter 2 और intro भी डाल चुकी हूँ. जो questions 2019 में नहीं है 2020 edition के, वो मैं डाल रही हूँ और उसके thumbnail पे 2020 edition लिखा हुआ है, right? तो ये 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. इसमें इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x. प्लीज़ मेरे बाकी के क्वेश्चंस ज़रूर देखें इससे पहले, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने उसमें समझाई हुई हैं, राइट? तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y equals to 4, ये हमारी first equation है. और second equation है 2y plus 7 equals to 9x, ये हमारी second equation है. तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये तो सही है, x और y की value दे रखी है. अब यहाँ पे हमें इसके match का x लाना है, तो मतलब पहले x की value, तो हम क्या करेंगे, ये y उठा के right hand side ले जाएंगे. तो हमारी equation क्या बन जाएगी, 9x minus 2y equals to 7. तो देखिए इसमें हमारा 7 तो यहीं रहा, तो प्लस का था तो प्लस का लिख दिया, और ये 2y उधर चला गया तो प्लस से माइनस का हो गया, तो माइनस का 2y, 9x प्लस का था तो 9x as it is. तो इसको मैं नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन, राइट? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. तो हमने लिखा 3x minus 5y equals to 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और नेक्स्ट इक्वेशन थी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो पहली बात, हम इसको सब्स्टिट्यूट से करेंगे या एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. जब भी हमारी, देखिए ये डिफरेंट होते हैं कॉफिशेंट्स, या कोई भी कॉफिशेंट दिया होता है x और y के साथ, तो हमें हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए ईजी करने के लिए. दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें एलिमिनेशन ही यूज़ करना चाहिए. दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिखते हैं, तो 3 कॉमन हुआ. अगर हम इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा 9x है और ये भी 9x हो जाएगा, सिर्फ हमें साइन चेंज करने होंगे. तो देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाइंग, हमें ज़रूरी नहीं है दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े, हमें किसी भी तरह कॉफिशेंट सेम करने हैं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो ये आ गया 3 3 is 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 4 3 is 12. इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है तो वो एज इट इज रख दी. अब साइन चेंज कर लिए हमने, ये हमारे हो गए साइन चेंज. तो हमारा 9x एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल हो गया. और ये देखिए 15 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा. माइनस 13y इक्वल्स टू, इसी तरीके से 12 में से 7 गया 5, राइट? तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13, लेकिन माइनस का, राइट? अब देखिए, अब मैं ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा ये 3 × x माइनस 5 × −5/13 इक्वल्स टू 4 आ गया. तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4. तो 3x इक्वल्स टू 4 माइनस का हो गया 25/13. अब LCM ले लेंगे, 3x इक्वल्स टू LCM लिया 13, तो 4 की मल्टीप्लाई 13 में माइनस 25, तो ये कितना आ गया, 3x इक्वल्स टू 4 × 13 इज 52 माइनस, ये देखिए 25/13,
25 अपॉन 13, तो ये आ गया 3x इक्वल्स टू 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2 अपॉन 13, तो x कितना आ गया 27 अपॉन 13 इंटू 3 आ गया, तो 3 9s are 27, तो x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13 इज द आंसर।